Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Dear aspirants, आज हम National Highway Safety Ordinance 2000 का lecture number 14 cover करेंगे. और lecture 14 में हम बात कर रहे हैं form and contents of the license. कि जब license के लिए कोई apply करेगा तो उसमें कौन सी information और उसकी क्या category होगी और क्या कुछ information देना होगी जो license बनवाना चाहता है. आया कि एक इंडिविजुअल को एक से ज़्यादा गाड़ियाँ चलाने की अथॉराइजेशन हो सकती है. आया कि ये लाइसेंस पे मेंशन करना ज़रूरी है कि किस मकसद के लिए ये ड्राइविंग करना चाहता है. तो ये सारी की सारी डिटेल्स जो है, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी. और क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें होती है, आज उसी पर हम बात करने वाले हैं. एवरी लाइसेंस टू ड्राइव अ रोड व्हीकल शैल कंटेन, कि कोई भी गाड़ी चलाने के लिए जो लाइसेंस है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं. वो इन्फॉर्मेशन किस नोयत की होती हैं, द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन फॉर्म सी ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल. इसी ऑर्डिनेंस के एंड पे स्केड्यूल दिए होंगे और उसका जो फर्स्ट स्केड्यूल है उसमें इन्फॉर्मेशन गिवन है और उस फॉर्म को फॉर्म सी कहते हैं. एंड शैल हैव अ फिक्स देयर टू, और उस फॉर्म में क्या कुछ बताया होना ज़रूरी है. वन ऑफ द फोटोग्राफ्स, यानी कि जिसका लाइसेंस बनेगा उसका फोटोग्राफ लगा होगा, अलॉन्ग विद सिग्नेचर, या तो फिर उसके सिग्नेचर होंगे अगर वो पढ़ा लिखा है, और इसके अलावा उसका थंब इम्प्रेशन भी मांगा जाता है. गिवन ऑन द एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, उस एप्लीकेशन पर जो लाइसेंस के लिए दी जाए उस पर एक फ़ोटो लगा होगा, सिग्नेचर होंगे और थंब इम्प्रेशन लगाने पड़ेंगे. थंब इम्प्रेशन का मतलब होता है अंगूठा लगाना. सेकेंड नंबर पर है, ए लाइसेंस शेल स्पेसिफाई, जो लाइसेंस जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें ये बात तय की जाएगी, बताया जाएगा, स्पेसिफाई किया जाएगा वेदर द होल्डर इज़ इंटाइटल टू ड्राइव एज ए पेड एम्प्लॉय, कि क्या ये बंदा जिसका ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है वो एक मुलाजमत के तौर पर उसको इस्तेमाल कर सकता है या नहीं, ये मुलाजमत के लिए इस्तेमाल होगा या नहीं. एंड वेदर ही इज़ इंटाइटल टू ड्राइव ए पब्लिक सर्विस व्हीकल, क्या वो रोड पे चलने के लिए जो पब्लिक गाड़ियां होती हैं उसको चलाएगा या नहीं. एंड शैल फर्दर बी एक्सप्रेस्ड, और मज़ीद भी बताया जाएगा उस पर, एंटाइटलिंग द होल्डर टू ड्राइव ए रोड व्हीकल ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस नेमली, और उस पर यह भी बताया जाएगा कि ये किस तरह की गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस ले रहा है. और गाड़ी को मज़ीद स्पेसिफाई किया जाएगा उन गाड़ियों में क्या कुछ जिक्र होता है, मोटरसाइकिल अप टू 80 cc, यानी कि 80 cc तक मोटरसाइकिल चलाना चाहता है, या इसके 80 cc से ज़्यादा का मोटरसाइकिल चलाना चाहता है, थ्री व्हीलर गाड़ी चलाना चाहता है, इनवैलिड पर्सन है उसको कैरी करने के लिए जो गाड़ी होती है वो चलाना चाहता है, या मोटर कार मोटर कैब चलाना चाहता है, LTV चलाना चाहता है, या हैवी गाड़ी जो है उसका लाइसेंस चाहता है, रोड कंस्ट्रक्शन करने वाली जो मशीनरी है उसको ऑपरेट करना चाहता है, वो मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस चाहता है, या इसके अलावा ट्रैक्टर या एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए जो गाड़ियाँ यूज़ होती हैं उनको चलाना चाहता है, या इसके अलावा ए व्हीकल ऑफ स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन टू बी अटैच. तो उसके साथ डिस्क्रिप्शन अगर कोई यहाँ पर बात नहीं की गई, अलग से उस गाड़ी की डिस्क्रिप्शन आप करना चाहते हैं, तो वो फॉर्म अटैच किया जाएगा. आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़.